नमस्कार, बीसीएन न्यूज के स्पेशल रिपोर्ट में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम जानेंगे कि शीतकालीन सत्र नागपुर में ही क्यों आयोजित किया जाता है। महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र हर साल नागपुर की पृष्ठभूमि पर आयोजित किया जाता है, ये आप सभी को पता है, जहाँ पूरा विपक्ष और सरकार एक ही छत के नीचे होती है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है वैचारिक घमासान भी होता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर यह सत्र नागपुर में ही क्यों आयोजित किया जाता है? चलिए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं कुछ इतिहास के पन्ने पलटते हुए। दरअसल 1854 से 1956 तक यानी 102 वर्षों तक नागपुर ब्रिटिश प्रांत की राजधानी थी। दिसंबर 1953 में जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में देश का पहला राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित किया गया। महाराष्ट्र के निर्माण को लेकर कांग्रेस नेताओं में असमंजस की स्थिति थी। इसे सुलझाने के लिए डॉक्टर SM जोशी ने इन सभी विपक्षी दलों का नेतृत्व स्वीकार किया और संयुक्त महाराष्ट्र परिषद का गठन किया। निर्णय लिया गया कि राज्य के विभिन्न हिस्सों के नेताओं को एक साथ आकर प्रयास करना चाहिए। इसके लिए सितंबर 1953 में राज्य के सभी प्रतिनिधि नागपुर में एकत्रित हुए। 28 सितंबर 1953 को नागपुर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। धर्मवीर भाऊसाहेब हीरे ने नागपुर समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समझौते पर पश्चिम महाराष्ट्र के लिए भाऊसाहेब हीरे, यशवंतराव चव्हाण, नाना कुंटे, देविकानंदन नारायण और राकरू पाटिल, रामराव देशमुख, पंजाबराव देशमुख, शेषराव वानखेड़े ने हस्ताक्षर किए। मराठवाड़ा के लिए नेता देवी सिंह चव्हाण, लक्ष्मण भाटकर, प्रभावती देवी जकादार ने हस्ताक्षर किए। दिसंबर 1953 में जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में देश का पहला राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित किया गया और 1956 में फजल अली आयोग की रिपोर्ट के अनुसार विदर्भ और विदर्भ के 8 जिलों CPN बेरार से अलग कर दिया गया था, जिससे विधानसभा भंग हो गई। 1953 में हुए समझौते के अनुसार नागपुर को राजधानी का दर्जा खोना पड़ा था। बात न बिगड़े इसलिए 1953 के समझौते में यह प्रावधान किया गया कि संयुक्त महाराष्ट्र के अधिवेशन का एक सत्र वर्ष में कम से कम एक बार नागपुर में आयोजित किया जाना चाहिए। समझौते के अनुसार 1960 के प्रथम सत्र का शीतकालीन सत्र नागपुर में संपन्न हुआ और आज तक यह शीत सत्र नागपुर में ही आयोजित होता है। तो आज के स्पेशल रिपोर्ट में वक्त हो चला यही रुकने का। आप देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।